इटली सीजनल और नॉन सीजनल पेपर्स जो मार्च लास्ट में फिल हुए थे, उनका स्टेटस क्या है, पेपर्स क्लियर कब तक होने वाले हैं, नौलास्ता कब तक मिलना शुरू हो जाएंगे, ये सभी क्वेश्चंस आए हुए थे। सो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे इटली के फिल हुए पेपर्स के बारे में अहम जानकारी। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल हिम्मत LLB में। सबसे पहले तो आप सभी से माफी चाहते हैं, बिजी टाइमिंग की वजह से काफी टाइम से कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाए हैं। अभी कोशिश करेंगे कि आप तक कंटिन्यू वीडियोस पहुंचती रहे। इससे पहले कुछ टाइम इटली पेपर फिलिंग में थोड़ा बिजी रहे, अभी थोड़ा टाइम मैनेज कर पाए हैं। सो सबसे पहले बात करेंगे कि जो पेपर्स मार्च लास्ट में फिल हुए थे वो कब तक क्लियर होंगे। तो डियर, अभी तक के पेपर फिलिंग पोर्टल कंप्लीटली जो है वो क्लोज नहीं हुआ है। तो पोर्टल क्लोज होने के 45 डेज के बाद, मींस डेढ़ महीना बाद, पेपर क्लियरिंग का जो प्रोसेस है वो शुरू होगा। प्रोसेस शुरू होने के बाद लिस्ट निकलेगी, एम्प्लायर को लेटर मिलेगा, आफ्टर दैट इन नौलास्ता इश्यू होगा। माना जाए कि इसमें अभी टाइम लग जाएगा, आपने चाहे किसी भी एजेंट से पेपर फिल किए हो, क्लियर होने में अभी टाइम लगेगा ही लगेगा। सो अभी वेट करना ही ऑप्शन है। अभी बात करें कि पेपर्स क्लियर होने के चांसेस कितने हैं। तो डियर, अगर आपके पेपर्स फिल होने की टाइमिंग सही है, एम्प्लायर ऑथेंटिक है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अच्छे से लगे हैं, पेपर सही से फिल हुए हैं, तो पेपर क्लियर होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। मींस कि आप उम्मीद रख सकते हैं। बट अभी तक जो पेमेंट आप पे कर चुके हैं वो कर चुके हैं, बट जब तक आपका लिस्ट में नाम नहीं आता है या नौलास्ता इश्यू नहीं होता है, तब तक और पेमेंट आपको नहीं करनी चाहिए। बहुत से व्यूअर्स जो पेपर फिल नहीं कर सके हैं वो पूछ रहे हैं कि सर क्या अभी पेपर्स फिल कर सकते हैं, हो सकते हैं। तो डियर बता दें कि अभी फिल होने वाले पेपर्स के चांसेस ज्यादा अच्छे नहीं है। जिनके पेपर्स फिल होने से रह गए हैं वो नेक्स्ट ईयर तक वेट कीजिए, यही सही ऑप्शन होंगे। कुछ व्यूअर्स पूछ रहे थे कि सर हमें फिल हुए पेपर्स के स्टेटस को चेक करना हो तो कैसे कर सकते हैं। तो डियर अभी तो फिलहाल वेट करना ही सही है। जब पोर्टल क्लोज हो जाता है उसके बाद आपको अपडेट आपके एम्प्लायर से ही मिल सकती है या फिर जिन्होंने आपके पेपर फिल किए हो। कोई जो लेटर है वो सबसे पहले आपके एम्प्लायर के वर्क के एड्रेस पे ही जाने वाला है। बाकी जो लोग बोलते हैं कि हमें इतने पैसे ज्यादा पे कर दो, आपके पेपर्स जल्दी क्लियर करवा देते हैं, सेटिंग से करवा देते हैं, उनसे बच के रहिए, अपनी मेहनत का पैसा बर्बाद मत कीजिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अवेयर रहिए, फर्जी एजेंट से बच के रहिए। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।